नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा जहां मैंने लिखा है कि देवगुरु बृहस्पति ने पकड़ ली है रफ्तार, अब करेंगे तुला राशि वाले जातकों का बेड़ा पार। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, किंतु फिर भी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देवगुरु बृहस्पति आपका बेड़ा पार करने जा रहे हैं, आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। आप जीवन में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति आपका पैर पकड़कर खड़ा हो जाए तो क्या आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं? तो मैं मानता हूं आप सभी लोगों का जवाब होगा नहीं, और कुछ इसी प्रकार की स्थिति अब तक देवगुरु बृहस्पति आपके साथ बनाते आ रहे हैं। आपकी कुंडली के नॉन फेवरेबल होने के साथ में ये वक्र गति में चल रहे थे, अर्थात उल्टी चाल चल रहे थे और आपको फल दे रहे थे षष्टम भाव का। और षष्टम भाव की स्थिति में किस प्रकार का देवगुरु बृहस्पति का फल होता है? तो ये आपके लिए कर्ज की स्थिति को एक्टिवेट कर देते हैं, ये आपके लिए रोग की स्थिति को एक्टिवेट कर देते हैं, ये आपकी जॉब में ऑब्स्टेकल की स्थितियों को एक्टिवेट कर देते हैं, ये आपको कॉम्पिटिशन में सफल होने नहीं देते, ये आपके लिए प्रमोशन की स्थितियों में रुकावटें, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे हैं, कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है उसमें ऑब्स्टेकल की स्थितियों को एक्टिवेट करते हैं। और जब ऐसी स्थितियां एक्टिवेट होती है तो ऑटोमेटिकली अपने आप को अनुभूति होती है जैसे कोई हमें सफल होने से पैर पकड़कर खड़ा है, और यही पैर आपका छूट रहा है 31 दिसंबर 2023 को, जब देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलेंगे। आप तुला राशि के जातक हैं, बहुत से कार्यक्रम आप देख रहे होंगे जहां बताया जा रहा है शनि महाराज आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देंगे, शुक्र महाराज, बुध महाराज आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देंगे, किंतु दो तीन लोग लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं, किंतु उन्हीं अवस्थाओं में यदि कोई बार बार रुकावट डाल रहा है तो आप जीवन में फ्लो प्राप्त नहीं कर पाते। सक्सेस के अंदर बार बार आपको लगता है कि बस अब ये कार्य होने ही वाला है, किंतु फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आ जाती है, और वही रुकावट यहां देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे फल नहीं देंगे, किंतु जो रुकावटें डाल रहे थे 31 दिसंबर से सीधी चाल चलते हुए वो रुकावटें आपकी समाप्त होगी। क्या क्या स्थितियों में जो पिछले समय में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी वो रिजोल्व होने जा रही है, और इसी कारण मैंने आपको लिखा कि अब आपका बेड़ा पार करेंगे। तो बेड़ा पार ऐसे होगा कि आपका कोई शत्रु बार बार आपके जीवन में रुकावटें डाल रहा था, अब वो रुकावटें नहीं डाल रहा है, तो आपकी कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह बिल्कुल शुद्धिकरण में आपको लाभ देते हैं। यहां दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में आपको अच्छे फल दिखना चालू हो जाएंगे, जो ऑब्स्टेकल आपको देखने को मिल रहे थे वो समाप्त होते हुए दिखाई देंगे, स्वास्थ्य दृष्टिकोण यदि आपको प्रभावित कर रहा था उससे आप मुक्त होंगे, आपके कर्म क्षेत्र में जॉब में जो ऑब्स्टेकल आ रहे थे, बॉस कलीग लैग पुलिंग कर रहे थे, आपको एप्रिशिएशंस प्राप्त नहीं हो रहे थे, प्रमोशन की स्थितियां रुक रही थी, उनमें आपको स्मूथनेस आ जाएगी, कोई कोर्ट कचहरी की स्थिति का यदि आप सामना कर रहे हैं, मानसिक तनाव उसके कारण बना हुआ है वो समाप्त होगा, कॉम्पिटिशन में आप सफल नहीं हो पा रहे थे उसमें आपका पैर छूटने जा रहा है, दाम्पत्य जीवन के स्वास्थ्य में प्रभावित योग देखने को मिल रहा है या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे हैं वो रिजोल्व होंगे, जब देवगुरु बृहस्पति सीधी चाल चलेंगे तो दैनिक रोजगार के अंदर जो अवरोधक स्थितियां आ रही थी वो भी समाप्त होगी, और पार्टनरशिप में यदि कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है तो वो भी रिजोल्व होंगे। वक्र गति में जब ये आपको एकादश भाव पर दृष्टि दे रहे थे तो जितनी अर्निंग आप डिजर्व करते हो वो कहीं ना कहीं रुकावट में आ रही थी, आपकी डिजायर्स को पूर्ण होने में विलंबकारी स्थिति के योग देखने को मिल रहे थे वो भी पूर्ण होंगे, क्योंकि धन के कारक ग्रह अब सीधी चाल से आपको आय दृष्टि पर दृष्टि दे रहे हैं, और शनि महाराज आपके कुंभ राशि में बैठकर आय भाव को देख रहे हैं, तो यहां से शनि की शुद्धिकरण में लाभ का योग प्राप्त होगा, और जब वक्र गति से सीधी चाल चलते हुए धन का कारक ग्रह आय भाव को देखेगा तो ये मजबूर हो जाते हैं आपको धन से संबंधित स्थितियों में, आय से संबंधित स्थितियों में अच्छे रिजल्ट देने के लिए। तो अब आप देखेंगे आपकी आय में भी वृद्धि होगी, आपकी डिजायर्स को भी पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे, क्योंकि ये जीव कारक ग्रह है, तो ये बहुत अच्छा योग आपके लिए बनेगा।
बड़े भाई बहनों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और छोटी छोटी बीमारियां जो पिछले समय में लगातार आपको कुछ ना कुछ मात्रा में परेशान करती रही, उनसे भी आपको रिलीफ मिलने जा रहा है। लग्न पर दृष्टि देखेंगे तो ज्ञान के कारक ग्रह हैं। पिछले समय में जब राहु के साथ बैठे थे तो राहु और गुरु का चांडाल दोष बनता है, किंतु अब राहु से मुक्त हो गए हैं, वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। और ज्ञान का कारक ग्रह जब लग्न को देखता है तो लग्न क्या है, ये व्यक्ति का व्यक्तित्व है। आचार विचार व्यवहार स्वभाव सभी गतिविधियां जो आपके जीवन को चलाती है वो आपका लग्न होता है। और ज्ञान कारक ग्रह जब लग्न को देखेगा तो यहां आपके व्यक्तित्व में ज्ञान स्वरूपी योग का निखार देखने को मिलेगा, जहां आप देखेंगे कि आपके व्यक्तित्व के अंदर सही निर्णय सही डिसीजन लेने की दक्षता आ रही है। क्या मुझे करना है क्या नहीं करना, पिछले समय में क्या गलतियां मैंने की है, इसको जानने का ठहराव का समय आपके लिए देवगुरु बृहस्पति की शुद्ध दृष्टि से देखने को मिलेगा। और नवम दृष्टि से ये अपने ही घर को देखेंगे। और मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि जब भी चाहे कुंडली का कारक ग्रह हो चाहे अकारक ग्रह हो, अपने घर को देखेगा तो कभी भी उसका नकारात्मक फल नहीं देता। पिछले समय में जब ये वक्र गति में चल रहे थे, कहीं ना कहीं मेहनत के उतने रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है। किंतु अब देखिएगा कि जब ये शुद्धिकरण में सीधी चाल चलते हुए अपने घर को देखेंगे, आपके द्वारा किया गया पराक्रम, आपके द्वारा की गई मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट आपको निकालकर देने की बाध्यता यहां पर देवगुरु बृहस्पति ले लेते हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको सफल बनाने का जिम्मा देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अकारक ग्रह होते हुए भी ले लेते हैं। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य, छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति का योग भी जो पिछले समय में आपके पक्ष में नहीं बना हुआ था, उस स्थिति को भी आपके पक्ष में बनाकर देने की बाध्यता लेंगे। तो यहां देवगुरु बृहस्पति जो आपके कार्यों में अवरोधक स्थितियां बनाते हैं, बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न आएगा कि देवगुरु बृहस्पति तो देवताओं के भी गुरु हैं, तो हमारे लिए ये कैसे अकारक हुए। तो सभी लग्नों के लिए, सभी राशियों के लिए 9 के 9 ग्रह कभी भी कारक नहीं हो सकते। ये ठीक हमारे भारत में बनी 2 पार्टियों की जैसे है, बीजेपी और कांग्रेस। इसी प्रकार देव पार्टी और दैत्य पार्टी आपके लग्न के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज, और शुक्र दानवों के गुरु हैं और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, और ये आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तुला लग्न की कुंडली के अंदर सदैव देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं, वहीं धनु लग्न और मीन लग्न की कुंडली में शुक्र महाराज कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं। तो ये आपस में अपनी शत्रुवत व्यवहार की स्थिति के चलते ग्रह राहु केतु भी बहुत अच्छे फल देते हैं, और खराब करने पर आए तो देवगुरु बृहस्पति भी यहां पर आपके कारकत्व की स्थिति को दर्शाते हुए अच्छे और बुरे फल का निर्णय लेते हैं। तो ये अधूरे ज्ञान में आपको नहीं रहना है। मैं सदैव प्रयास करता हूं कुंडली के ज्योतिष की उस साइंस तक आपको थोड़ा थोड़ा कर धीरे धीरे ले जाऊं, ताकि आपको पता पड़े कि मेरा लग्न कौन सा है, तो कौन से ग्रह मेरी कुंडली में सदैव शुभ फल देंगे, कौन से ग्रह एक कारकत्व होने के बाद भी, शुभत्व ग्रह होने के बाद भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत से लोगों के मन में सिर्फ ये संशय है कि खराब करने का जब नाम आएगा तो शनि राहु और केतु करते हैं। ऐसा नहीं होता। मंगल की दशा, सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा, गुरु की दशा भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है अगर वो कुंडली के अकारक ग्रह होते हैं। और इसे समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत चीजें स्वतः से सुलझ जाती है, जब आप अपनी कुंडली को ये जान लें कि कौन से ग्रह मुझे शुभ फल देंगे और कौन से नहीं। अगर संभवत रहे तो 2024 भी आ रहा है, किसी अच्छे विद्वान से अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाइए। पूरा प्रिडिक्शन लेने के पश्चात में एक बात उनसे जरूर से पूछिएगा कि मेरी कुंडली के कारक ग्रह कौन से हैं, अकारक ग्रह कौन से हैं, वो कौन से ग्रह हैं जो मुझे सदैव शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं, वो कौन से ग्रह हैं जो मुझे सदैव अशुभ फल देने के लिए प्राप्त हैं। ये जानने के पश्चात जब भी आप कोई ज्योतिषीय गोचर अवस्था का फल देखते हैं, आपको बेहद सुंदर स्वरूप में पता होता है कि अमुक ग्रह जब राशि परिवर्तन करेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा फल देगा, और अमुक ग्रह जब राशि फल परिवर्तन करेगा इसका मेरे लिए कोई व्यस्त प्रयोजन नहीं निकल कर आ पाएगा, इवन गलत स्थान पर गया तो मेरे जीवन में कष्ट आएंगे। और ये स्थिति जब आप समझ लेते हैं
तो कभी भी कमेंट बॉक्स में आकर ये नहीं लिखेंगे कि मेरे लिए तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा जैसा आप बता रहे हैं। ये जानकारी आपको कोई नहीं देता, बस आकर एक आपको लुभावनी स्थितियां, अब ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये कहानियां तो दुनिया सुना रही है। मैं प्रयास करता हूं आपके सामने ज्योतिष की साइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। वर्ष 2024 में शनि महाराज बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं, शुक्र और बुध की स्थिति आपके लिए बहुत सुंदर लाभ देगी, चंद्र महाराज भी आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देंगे, और गुरु महाराज जो आपका पिछले समय में पैर पकड़कर खड़े थे, 31 दिसंबर 2023 की रात्रि जब आप नए साल का स्वागत कर रहे होंगे तो आपका जो पैर पकड़कर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति खड़ी थी वो भी छोड़ने जा रही है, और नए साल के अंदर इससे बड़ा उपहार आपके लिए कोई नहीं हो सकता। वर्ष 2024 आपका बहुत ही मंगलमय हो, इसी कामना के साथ में आपसे विदा चाहूंगा। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।